प्रोफेसर साहब प्रमाणपत्र बांटने लगे। एक सेकंड, वो कौन है? मैं उस शख्स के नाम के आगे मेहनत नहीं लगाऊंगी। क्या नाम है उसका? बजरंग मुनि। क्या कह रहा है वो? महिलाओं का रेप करेगा? हाँ, हम लोग यहाँ पर उसकी बातें सुनने के लिए बैठे हैं। एक लाइन बोला, कौन है ये भगवान जी? मैं बोल रहा हूँ, भगवादारी बोल रहा हूँ आपसे, ऐसे भगवादारी एक नहीं बहुत घूम रहे हैं जो कह रहे हैं मुस्लिम महिलाओं का रेप करेंगे। हाँ, विशाल मिश्रा जी, के शर्मा जी और विजय शंकर तिवारी जी, मैं कहता हूं अभी ये मुझे जवाब दीजिए। हाँ, जवाब दीजिए मुझे इस पर। मैं कहता हूं भगवा पहनकर वो कुछ भी कर देगा, इस प्रकार की टिप्पणियां करता है, आज ही उठाकर उसको जितना दंड दे सकते हैं देना चाहिए। बताइए, बिल्कुल इसके विरोध में। रामनवमी के पर्व के दिन ये क्या एक विशाल मिश्रा, पहले मुझे ये बताइए उन भगवाधारियों के बारे में क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब, जो मुस्लिम महिलाओं का रेप करने का सरेआम ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे जैसे वो जो है किसी तरह का कोई बैज जो है लगाने वाले। ये जो महानुभाव है ये हमारे सामने आए नहीं है, महिलाओं के सामने वो आ जाए और वो किसी भी मजहब की महिला हो, हम बताते हैं उनको महिला है क्या? मजाक लग रहा है ये मुनि को कि वो बैठ के कुछ भी कहेगा और हिंदुस्तान की महिलाएं सुनेंगी? मैं तो बोल रहा हूँ आपसे, इस प्रकार के बयान का मैं कतई समर्थन नहीं करता, बिल्कुल निंदा करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ उतरवाइए उससे भगवा परंपरा है, हमारी आप लोग उससे भगवा उतरवाइए, वो लायक नहीं है भगवा पहनने के। हमने तो भेदभाव किया ही नहीं, हमने तो दुनिया को अपना कुटुंब माना है, परिवार माना है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार के त्योहार पर, पावन पर्व पर इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, तो उस समाज के मुखिया क्यों नहीं आगे आकर कंडेम करते हैं? क्यों नहीं उस धर्म विशेष के लोग आगे आकर कंडेम करते हैं? गलत गलत है, गलत को गलत ना कह पाना, गलत को गलत कहेंगे। विजय शंकर तिवारी ने कहा उल्टा लटका के मारो ऐसे किसी भी मुनि को, ऐसे किसी भी महंत को। मैं फिर महंत और मुनि इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ। मैं मैडम दिखाना चाह रहा हूँ आपको कुछ। जामे रुकिए, असीम बकार साहब, मुझे 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 जवाब देने दीजिए। आपने कतराया, रुकिए, अभी शोएब जामे ही बोले। रुबिका जी, शोएब जामे सिर्फ महंत का हुदा नहीं था, बल्कि कल गाजियाबाद में एक पुलकित महाराज करके व्यक्ति है, सुन लीजिए जवाब। उन्होंने कहा कि हिंदुओं का आतंकवादी बन जाना चाहिए भगवा पहन के। मैंने फौरन ट्वीट करके गाजियाबाद पुलिस से कहा, उन्होंने एफआईआर दर्ज की। मैं शुक्रगुजार हूं गाजियाबाद पुलिस का कि मेरे कहने पर उन्होंने एफआईआर दर्ज की पुलकित महाराज गाजियाबाद में। ये मोदी जी के साथ भी कई तस्वीरें थे उनकी। दूसरी बात, अभी कर्नाटक में यहाँ से एक गरीब तरबूज बेचने वाले का ठेला को फेंक दिया गया। पत्थरों की बात करिए, जो हुआ है उसकी बात कर रहा हूं मैं। सुनिए सुनिए, ये भी हुआ है ना, ये हिंदुस्तान में हुआ है। विजय शंकर जी सुन लीजिए। हाँ, हुआ ना, बोलिए बोलिए बोलिए। जो करौली में हुआ, जो मुसलमान भी इन्वॉल्व थे, जो गुजरात में हुआ, जहां पर ये क्या बोलते हैं दूसरी जगह पे हुआ, जहां जहां मुसलमानों ने हुड़दंग किया, पत्थरबाजी किए, हम लोग या असीम वकार साहब कोई उसका समर्थन नहीं करते। पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई करेगी, कोई बचाव नहीं करेगा। लेकिन जो दूसरी साइड से जितनी जगह घटना हुई, गमहर यहाँ वहां जितना बताया हमने, क्या तीन दिन पहले तो गोरखनाथ मंदिर में जिस शख्स ने हमला किया उसके बारे में कुछ कहने से आप कतरा रहे थे? मेरे ही शो में कतरा रहे? बिल्कुल नहीं कतरा रहे थे। अरे वो बेवकूफ आदमी, उसको जेल में जाना ही पड़ेगा और वो गया है, तो ये बजरंग मुनि भी बेवकूफ आदमी, इसको जेल में जाना पड़ेगा, खत्म बात। नहीं तो फिर इसमें और इसमें फर्क क्या? ये बेवकूफ, वो भी बेवकूफ। बजरंग मुनि एक धार्मिक मुनि है जिसके कई लोग फॉलोअर्स हैं और वो खुलेआम कह रहा महिलाओं का आईआईटी पास है, और ये जो गया गोरखपुर में ये तो पढ़ा लिखा है, आईआईटी पास है। सुनिए, ये कोई मुनि नहीं था, लेकिन फिर भी अगर ये जिन्होंने हमला किया हमलावर, उस पे होगा सजा होगी। पास है ना ये? एक मैं बोलता हूँ, शोएब ऐसे किसी व्यक्ति का हिंदू समाज समर्थन नहीं करता। एक मिनट रुक जाइए, ऐसे किसी व्यक्ति का हिंदू समाज समर्थन नहीं करता जो महिलाओं पर बलात्कार की बात करता है, एक बात। लेकिन आप लोग हमेशा, वो आईआईटी पास है, अभी तक मैं कई बार उस विषय पर बैठ चुका हूँ, और मुर्तजा के
साथ खड़े होकर यहाँ पर लोग विमर्श करते रहे। आईआईटी पास था वो, आईआईटी पास था, सपोर्ट किया। और उसके उसके पिता, उसके पिता ने कहा वो बीमार है, मानसिक बीमार है, उसके साथ खड़े हुए। अच्छा बस अब मेरे पास वक्त की कमी है, असीम वकार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। असीम वकार साहब, शोएब जामे रुक जाइए, असीम वकार 20 सेकंड, शोएब साहब प्लीज, नहीं फिर असीम वकार साहब कहेंगे। रूबिका लियाकत का एजेंडा था वो। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।